सो हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड हाउ इट वर्क्स विद द रियल लाइफ एग्जांपल। सो वेलकम टू द न्यू लेक्चर। सो इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंट आस्क्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी एंड हाउ इट वर्क्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स सी। सो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज दैट गिव्स द यूजर द इल्यूजन दैट इट इज द पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। So you can say it is simply a memory management technique, right? So it is basically used by the modern operating systems to provide an illusion of a large amount of available memory than physically existing on the system, right? So जो हमारे पास physically exist कर रही है RAM, right? वो तो हमारे पास है ही, right? एक virtual memory होती है, which is like virtual. For example, recently I have bought a tablet. ठीक है, जैसे हमने ओप्पो का टैबलेट लिया, ठीक है, तो उसमें एक फीचर है, जैसे मैंने टैबलेट बाय किया जिसमें है 4 GB रैम, ठीक है, तो मुझे उन्होंने एक चीज़ बताई कि हम इसमें 2 GB एज अ वर्चुअल रैम हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट, सिंपली सेटिंग्स में जाके। सो 2 GB रैम हम और इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो रैम बेसिकली हमारी क्या है, वर्चुअल। मेन मेमोरी उसकी 4 GB है रैम, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट उसमें गिवन है, बट 2 GB हम उसकी और इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट इज वर्चुअल, राइट। हमने मेन मेमोरी में सिर्फ वो ऐड नहीं की, सिर्फ हमने 2 GB ऐड करेंगे तो उसकी स्पीड जस्ट और इंक्रीज होगी, राइट। सो दैट विल बी द वर्चुअल मेमोरी, राइट। सो यू कैन टेक इट एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमने वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं हम कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर में, राइट, और साइमल्टेनियसली, सो एक तो हमारा टास्क चल रहा है अभी वीडियो एडिटिंग का, ठीक है, और साइमल्टेनियसली हमने मीडिया प्लेयर ओपन किया फॉर लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, तो मान लो ये वीडियो एडिटिंग काफी काफी मेमोरी लेती है, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको, तो बेसिकली मान लो उसने एडिशनल स्पेस चाहिए हार्ड ड्राइव पे, ठीक है, तो वो इसको बेसिकली वर्चुअल मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है, इसका जो भी काम अभी नहीं चल रहा है, मान लो इसमें एडिटिंग नहीं चल रही है, हमने सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर को खोल के रखा है, ठीक है, उसमें हम वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, जो भी पोर्शन है ये फाइल का, ठीक है, दैट इज नॉट करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, तो हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इट विल यूज वर्चुअल मेमोरी, राइट, टू एलोकेट द एडिशनल स्पेस ऑन द हार्ड ड्राइव। व्हाई इट इज यूजिंग, टू स्टोर द पोर्शन ऑफ द फाइल दैट इज नॉट करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, राइट। सो वी कैन से whenever we'll open a large document or image file that requires more memory than is currently available in our RAM, जैसे हमारे पास मान लो 4 GB RAM available है, but ये 5 GB RAM लेता है एक time पर, ठीक है, जब इसमें video editing करते हैं software में, तो ये क्या करेगा, virtual memory use करेगा, या फिर हम मान लो ये 4 GB लेता है और 4 GB इसने ले ली, ठीक है, now जो main memory हमारी physical memory दी गई है, ठीक है, operating system को, तो वो ऑलरेडी फिल होगी, बट हम अब मीडिया प्लेयर भी रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इसका कुछ काम क्या करेगा, रेस्ट स्टेट में भेज देगा, यू कैन से लाइक वर्चुअल मेमोरी में भेज देगा, वर्चुअल मेमोरी ले लेगा और इसको कुछ मेमोरी असाइन कर देगा, बिकॉज हम ये भी ओपन करना चाहते हैं, राइट, तो हम मान लो अभी मीडिया प्लेयर रनिंग स्टेट में है, ठीक है, सॉन्ग सुन रहे हैं, और वापस जब हम ये ओपन करेंगे तो क्या करेगा, डाटा बैक ले लेगा, ठीक है, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली विल स्वैप द डाटा बैक फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी टू द रैम, ठीक है, तो फिर वो दोबारा वर्चुअल मेमोरी से रैम में डाटा दोबारा स्वैप कर लेगा, ठीक है, एंड नाउ यूजर कैन अगेन कंटिन्यू एडिटिंग द इमेज फाइल और वीडियो एनीथिंग सीमलेसली, राइट। सो वर्चुअल मेमोरी के बिना बेसिकली क्या होगा, कंप्यूटर विल नीड टू हैव इनफ फिजिकल मेमोरी टू अकोमोडेट ऑल द प्रोग्राम्स, राइट, टू दैट आर रनिंग एट द सेम टाइम। सो मल्टीटास्किंग करने के लिए बेसिकली वो वर्चुअल मेमोरी के बिना भी हो जाएगी, बट उसमें फिजिकल मेमोरी इनफ होनी चाहिए, ठीक है, तो मान लो इसको 4 GB चाहिए एक टाइम पे, तो इसको मान लो 1 GB चाहिए, दोनों को रनिंग स्टेट में देखने के लिए, इन दोनों को सेम टाइम पे रन करने के लिए, ठीक है, मान लो हम सॉन्ग सुन रहे हैं और हमने वीडियो एडिटिंग भी करनी है, अगर हमारी रैम ही 4 GB की होगी, राइट, सिस्टम में 4 GB की है, सो हाउ वी कैन वर्क एट द सेम टाइम ऑन द टू सॉफ्टवेयर्स विच टेक 5 GB, 4+1 5 GB, ठीक है, सो विदाउट वर्चुअल मेमोरी वी कैन ऑल्सो वर्क, बट
उसमें इनफ इनफ रैम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जैसे 5 GB रैम होनी चाहिए, अदरवाइज दोनों क्रैश हो जाएंगे, कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो रैम हमारी कॉस्टली होती है, सो दैट्स वाई वर्चुअल मेमोरी विल प्रोवाइड अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। एंड कैसे प्रोवाइड करती है, बाय अलोइंग प्रोग्राम्स टू यूज मोर मेमोरी देन इज फिजिकली अवेलेबल। जैसे मैंने टैबलेट की एग्जाम्पल दी, तो उसमें जैसे ओप्पो का टैबलेट आप बाय करोगे तो उसमें 4 GB रैम तो उसकी होती है, राइट। सो 4 GB इनफ होती है रैम टैबलेट्स के लिए, बट उसमें 2 GB एक वर्चुअल मेमोरी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको सीमलेसली रन करने के लिए, सो दैट विल बी वर्चुअल मेमोरी। तो ये तो हमारी फिजिकल होगी मेन मेमोरी जितनी उसको गिवन है टैब को ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, और 2 GB हम एडिशनली सेटिंग्स में जाके उसको इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो दैट विल बी वर्चुअल मेमोरी। सो आई होप इट इज क्लियर विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो दैट इज वर्चुअल मेमोरी। सो वर्चुअल मेमोरी अब बेसिकली काम कैसे करती है, ठीक है, हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स। सो इट बेसिकली वर्क्स बाय डिवाइडिंग अ प्रोग्राम। जैसे हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में इसको डिवाइड करते हैं, राइट। एंड दिस स्मॉल चंक्स वी कॉल्ड देम पेजिस, वी कॉल देम पेजिस। सो जब भी प्रोग्राम रन हो रहा है, राइट, सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कुछ कुछ पोर्शन असाइन कर देता है फिजिकल मेमोरी का, फिजिकल मेमोरी मीन्स रैम का इसको, राइट। सो जब भी अब प्रोग्राम को एक्सेस चाहिए मेमोरी के पेज का, ठीक है, जो भी अभी करंटली रैम में नहीं है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करेगा, पेज को रिट्रीव करेगा हार्ड ड्राइव से और उसको रैम में लोड करेगा, ठीक है। सो उस चीज को हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट। तो मैंने क्या बताया, ये रिपीट करूंगा। सो बेसिकली वेन एवर अ प्रोग्राम नीड्स टू एक्सेस ए पेज ऑफ मेमोरी दैट इज नॉट करंटली इन द रैम, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इट विल रिट्रीव द पेज फ्रॉम द हार्ड ड्राइव एंड इट विल लोड इट इन टू द रैम, ठीक है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट समवेयर, सो दिस इज नोन एज पेज फॉल्ट। सो बेसिकली हमने अब क्या देखा, सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूजेज अ प्रोसेस कॉल्ड पेजिंग, राइट, टू मैनेज द मूवमेंट ऑफ पेजिस बिटवीन द रैम एंड द हार्ड ड्राइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या यूज करता है, पेजिंग, टू मैनेज द मूवमेंट ऑफ पेजिस बिटवीन द रैम एंड द हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी चीजों का ट्रैक रखता है, ठीक है, रैम में जो जो पेजिस हमारे करंटली इन द वर्किंग स्टेट है और जो नहीं है, ठीक है। सो जब रैम हमारी फुल हो जाती है, वेन द रैम बिकम्स फुल, रैम हमारी फुल होगी, ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो मूव करेगा जो कि लेस फ्रिक्वेंट यूज्ड पेजेस हैं और रैम को हार्ड ड्राइव में मूव कर देगा, ठीक है, न्यू पेजेस को रूम देने के लिए, लाइक न्यू पेजेस को जगह देने के लिए। वो कुछ पेजेस क्या है जो करंट स्टेट में नहीं है, ठीक है, वर्किंग स्टेट में नहीं है, तो वो क्या करेगा, रैम से हार्ड ड्राइव में वो क्या करेगा, उस पेजेस को मूव कर देगा, राइट। सो जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी थी, तो मान लो अभी उसके उस पे हम काम नहीं कर रहे, तो अभी मान लो जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था हमारा, तो उसने सारी हमारी जो मेन मेमोरी है, जो ओरिजिनल फिजिकल फिजिकल मेमोरी उसको गिवन है, मान लो 4 GB, तो वो उसने सारी एक्वायर कर ली, बट हम अभी मीडिया प्लेयर भी यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ इसके काम को वो क्या करेगा, रैम से हार्ड ड्राइव में भेज देगा, ठीक है, टू मेक द स्पेस फॉर द न्यू पेजिस ऑफ द मीडिया प्लेयर, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, हम रैम से जब हार्ड ड्राइव में वो भेजेगा, इस चीज को क्या कहते हैं, स्वैपिंग आउट। सो इस चीज को हम कहते हैं स्वैपिंग आउट, ठीक है, और यू कैन से पेजिंग आउट, पेजिंग आउट, ठीक है। और अभी हमने कोई सॉन्ग सुन लिया या फिर वी हैव डन अवर वर्क ऑन द मीडिया प्ले, तो वापिस से हम इस पे आए, तो वो फिर से क्या करेगा, डाटा डाटा बैक लेगा, ठीक है, स्वैपिंग, इट विल स्वैपिंग बैक द डाटा। सो उस चीज को हम क्या कहते हैं, जब जब यू कैन से हार्ड ड्राइव से अब दोबारा रैम में आएगा, दोबारा रैम में डाटा शिफ्ट होगा, ठीक है, दोबारा हम उसी सॉफ्टवेयर पे आ गए, राइट। सो दोबारा वो हार्डवेयर से डाटा वो रैम मिलेगा, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग इन, और यू कैन से पेजिंग इन, राइट। एंड डाटा कैसे कैसे हमारा इधर से उधर जा रहा है, यूजिंग पेजिस,
राइट। सो भी वर्चुअल मेमोरी का क्या बेनिफिट हुआ, हमने अभी देख लिया कि वर्चुअल मेमोरी एग्जैक्ट क्या होती है, रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट किया, और हमने देखा हाउ इट कैन बी अचीव्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, और यू कैन से हाउ इट वर्क्स रियली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वर्चुअल मेमोरी का क्या बेनिफिट हुआ, सो इट बेसिकली अलोज द प्रोग्राम्स टू यूज मोर मेमोरी देन इज फिजिकली अवेलेबल, राइट। सो वर्चुअल मेमोरी, सॉरी रैम हमारी कॉस्टली है, सो वर्चुअल मेमोरी अपर अवर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूजेज वर्चुअल मेमोरी। तो जैसे हम, जैसे 4 GB होती है हमारी, लाइक करंटली मेरे लैपटॉप की है 16 GB रैम, ठीक है। तो जैसे कम कम होती है, ड्यूल कोर प्रोसेसर होते हैं i3 i5, राइट। तो उसमें क्या होती है, तो जैसे हम इतनी मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली से ज़्यादा मेमोरी ले रहे होते हैं, राइट। सो इन दैट केस अवर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली यूजेज वर्चुअल मेमोरी। तो जो भी टास्क जैसे हमने मिनिमाइज कर दिए, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज बेसिकली उसका एक बेनिफिट क्या है, तो जैसे ये हमारा कोई भी न्यू विंडो ओपन है और उसमें मल्टीपल टैब्स ओपन है, ठीक है, और ये बेसिकली वेटिंग स्टेट में चली जाती है। जैसे ये मान लो इस टैब को हमने 30 मिनट्स ऑन नहीं किया, ठीक है, और इस पे हम वापस से स्विच नहीं किया हमने, तो ये एक स्लीप मोड में चली जाती है, राइट, स्लीप मोड में चली जाती है। सो इन दिस वे वर्चुअल मेमोरी हमारी काम करती है, जैसे हम न्यू टैब्स ओपन करी जा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये वाली स्लीप मोड में जा रही है, जैसे हम सेटिंग्स में करेंगे कि अगर हम 10 मिनट्स तक वो टैब पे नहीं काम किया, ठीक है, सो इट विल गो इन द स्लीप मोड, सो दैट्स वाई इट विल देन टेक लेस मेमोरी, ताकि हम जो भी न्यू टैब्स ओपन कर रहे हैं या फिर न्यू टास्क जो भी कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो उसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको न्यू रूम प्रोवाइड कर सके, ठीक है, उसको न्यू पेजेस प्रोवाइड कर सके उस सॉफ्टवेयर या किसी भी काम को चलाने के लिए, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली द वर्चुअल मेमोरी। सो इट कैन बी हेल्पफुल व्हेन रनिंग लार्ज एप्लीकेशंस और यू कैन से मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली ऑन आवर सिस्टम। बट जब हम डाटा एक्सेस करते हैं ना हार्ड ड्राइव से, ठीक है, वो बेसिकली बहुत ज्यादा स्लो होता है जब हम रैम से डाटा एक्सेस करते हैं। जब वर्चुअल मेमोरी हमारी यूज होगी तो डाटा स्वैप आउट भी होगा, रैम से हार्ड ड्राइव में भी जाएगा, राइट, न्यू पेजेस को रूम देने के लिए, बट स्वैप इन भी होगा डाटा, राइट, हार्ड ड्राइव से रैम में भी आएगा। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, जब डाटा एक्सेस कर रहे होंगे हार्ड ड्राइव से रैम में, ठीक है, तो वो इट इज मच स्लोअर देन एक्सेसिंग डाटा इन द रैम। सो वी कैन से दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी कैन कोज अ सिस्टम टू स्लो डाउन, राइट। सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज वर्चुअल मेमोरी एफिशियंटली टू एंश्योर ऑप्टिमल सिस्टम परफॉर्मेंस, राइट। तो जैसे मैंने ओप्पो टैबलेट की एग्जाम्पल ली थी, तो उसमें उन्होंने 2 GB डाटा वर्चुअल मेमोरी का तभी उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, राइट। सो ऐसे तो वो 100 GB कर दें, राइट, तो हमें रैम रैम लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो फिर तो हम 2 GB रैम के साथ कोई भी टैबलेट बाय कर सकते हैं और उसमें 4 GB वो वर्चुअल मेमोरी दे देंगे, राइट। सो दैट्स वाई एक्सेसिंग डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव इज मच स्लोअर देन एक्सेसिंग डाटा इन द रैम, ठीक है। तो हम वर्चुअल मेमोरी का एक्सेस यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी कैन कोज अ सिस्टम टू स्लो डाउन। सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द वर्चुअल मेमोरी एफिशियंटली। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्चुअल मेमोरी, राइट। सो इट्स ऑल्सो द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इन इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, वट इज वर्चुअल मेमोरी एंड हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पेजिंग एक्सेट्रा, स्वैप इन स्वैप आउट, ठीक है, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो बेसिकली रिसेंटली मेरे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, प्रोसेस और थ्रेड जैसे हमने डिस्कस किया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पूछा था मेरे से, और वर्चुअल मेमोरी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस की, राइट। सो ये सारे काफ़ी फ्रिक्वेंट आस्क, जो भी मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ या फिर जो भी मैंने डाले हुए हैं ऑलरेडी लेक्चर्स, सो दैट्स आर वेरी फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चंस, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज फर्स्ट ऑल्सो। सो स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स एंड कीप सपोर्टिंग।